ठीक है, बाकी किसी को चाहिए तो मुझे बता देना। अच्छा तो प्योरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशंस जैसे हर एक सॉल्यूशन में इंप्योरिटी वगैरह होता है, तो इसमें इंप्योरिटी हो सकता है। तो इंप्योरिटी दो तीन तरीके से होते हैं, लाइक इंप्योरिटी हो सकता है क्रिस्टलॉइड के फॉर्म में इंप्योरिटी हो, आप समझ रहे हो। इंप्योरिटी जो होता है आइदर स्मॉलर साइज पार्टिकल कोलोइडल साइज का, कोलोइडल सॉल्यूशन का कोलोइडल पार्टिकल का एक साइज होता है, उसे थोड़े छोटे साइज को हम क्रिस्टलॉइड कहते हैं और उसे थोड़े बड़े साइज को हम सस्पेंशन कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कोलोइडल पार्टिकल का एक साइज होता है, ठीक है, ये आपको तो पता ही है। कोलोइडल आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि कोलोइडल पार्टिकल का एक साइज होता है, थोड़ा उसमें हम चलते हैं। पार्टिकल्स के एक साइज होते हैं क्या होता है, आपको बताया था मैंने 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में रहते हैं। अगर पार्टिकल का साइज थोड़ा छोटा हो गया तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलॉइड कहते हैं। पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर रहेगा, क्लियर है। और अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो गया तो हम उसे सस्पेंडेड पार्टिकल कहते हैं। क्लियर है, तीन चीजें होती हैं साइज के को लेके ही हम इसे डिफाइन करते हैं। बेसिकली कोलोइडल पार्टिकल जो हम कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे साइज रहता है, क्रिस्टलॉइड का साइज ये है, आपको सेकंड वाला बता दिया हमने लेस देन 1 नैनोमीटर, एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स का मतलब होता है साइज बड़ा हो जाता है। तो ये जो इंप्योरिटी होता है प्योरिफिकेशन और कोलोइडल सॉल्यूशन का मतलब इंप्योरिटी है। इंप्योरिटी कैसे है, ये तो कोलोइडल सॉल्यूशन है कोलोइडल पार्टिकल्स को कंटेन कर रहा है। इंप्योरिटी दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो क्रिस्टलॉइड के फॉर्म में हो सकते हैं मतलब कोलोइडल पार्टिकल से भी छोटे इंप्योरिटी हो सकते हैं, या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल के फॉर्म में भी इंप्योरिटी हो सकते हैं और उसको प्रिपेयर उसे मुझे प्यूरिफाई करना है। तो प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला है डायलिसिस होता है, ठीक है, आपने वैसे भी डायलिसिस के बारे में सुना होगा, पेशेंट जो होते हैं उनको डायलिसिस के लिए लिया जाता है और वो काफी एक रिस्की प्रोसेस भी होता है, एंड जब कोई और कोई मेथड नहीं बचता है तो फिर वही करा जाता। सुना है ना डायलिसिस के बारे में, कुछ कुछ सुना है, कुछ कुछ बच्चों ने डेफिनेटली सुना होगा, ठीक है। जब ओल्ड एज हो जाता है कई सारे आई मीन प्रॉब्लम उसमें होते हैं। बेसिकली ये डायलिसिस जो है मेरे ख्याल से शुगर पेशेंट का करा जाता है क्या, है ना, या किडनी में कोई प्रॉब्लम है इस तरीके से कुछ है, किडनी खराब हो जाती है उनके साथ, किडनी और वो भी उसके साथ भी शुगर का जो होता है ना उसका डायरेक्ट रिलेशन है मुझे लग रहा है, उसमें भी कुछ है। तो किडनी के लिए तो दिया जाता है ये डायलिसिस, मतलब डायलिसिस का मतलब हो गया प्यूरिफिकेशन। अगर कोई इम्प्योर पार्टिकल है तो उसे किसी भी तरीके से बॉडी से बाहर निकाल देना है, दैट इज डायलिसिस। क्लियर है ना, रिकॉर्डिंग अलाउ करनी है अंकित, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे डायलिसिस का मतलब क्या है मैं पहले प्रोसेस बता देती हूँ आपको। सेकंड इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, एंड थर्ड है मेरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एंड फोर्थ है, मैं यही पे समझा दूंगी आपको, बस समझा दूंगी तो आप अपने वर्ड्स देके भी इसे लिख सकते हो। फोर्थ इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो सबसे पहले डायलिसिस का मतलब होता है, अगर डायलिसिस कब करा जाता है, डायलिसिस कब करा जाता है अगर क्रिस्टलॉइड है तो, ध्यान रहे, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस भी इसी के लिए करा जाता है, ये भी इसी के लिए करा जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो डायलिसिस का मतलब है अगर मेरा कोलोइडल सॉल्यूशन में
क्रिस्टलॉइड्स है, मतलब छोटे साइज के पार्टिकल, सॉल्यूशन साइज और सॉल्यूट साइज के पार्टिकल अगर रह गया है उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए हम डायलिसिस करते हैं, और उसमें करा क्या जाता है, अमाइन को रिकॉर्डिंग अलाउ करनी है। ठीक है, और उसमें करा क्या जाता है, मान लो उसमें क्या करा जाता है, यूजुअली ऐसे अगर हम डायलिसिस करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, जहां पे क्रिस्टलॉइड है मेरा इम्प्यूरिटी, तो वहां पे क्या करा जाता है, वहां पे यूजुअली पार्चमेंट पेपर लिया जाता है, सेलोफेन पेपर लिया जाता है, या फिर एनिमल मेम्ब्रेन लिया जाता है, जिसका जो पोर साइज होता है, मेम्ब्रेन का जो पोर साइज होता है, आप पार्चमेंट पेपर लो, सेलोफेन पेपर लो, या फिर आप एनिमल मेम्ब्रेन ले सकते हो। यहाँ पे तो मैं बाकी आपको यहाँ पे ये टर्म अगर आप लिख दो, मैं बता रही हूँ आपको, लिख दो यहाँ पे कौन कौन से सुइटेबल मेम्ब्रेन यूज करा जाता है, ये मैं बाद में करा दिया करके करते जगह नहीं होगा नहीं तो। ठीक है, तो डायलिसिस में क्या होता है कि क्रिस्टलॉइड जो है वो इम्प्योरिटी होता है, यहाँ पे क्या यूज करा जाता है, सुइटेबल मेम्ब्रेन यूज करा जाता है। ये मेम्ब्रेन क्या हो सकते हैं, पार्चमेंट पेपर हो सकता है, पीएपीआर पेपर हो सकता है, और एनिमल मेम्ब्रेन हो सकता है। ठीक है, और एनिमल मेम्ब्रेन हो सकता है या फिर सेलोफेन पेपर भी हो सकता है। इसका जो पोर साइज होता है दैट इज परफेक्ट फॉर क्रिस्टलॉइड, बट इट वोंट अलाउ द कोलोइडल साइज पार्टिकल। क्लियर है, इसका जो पोर साइज, बेसिकली हम जब कोई भी मेम्ब्रेन लेते हैं तो पोर साइज के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये जो पोर साइज है दिस अलाउज द क्रिस्टलॉइड्स टू पास थ्रू बट नॉट द कोलोइडल पार्टिकल। तो उसे क्या करा जाता है, मान लो मैंने इस तरीके का एक बैग ले लिया है, जो बैग बना हुआ है कहां से, आइदर पार्चमेंट पेपर से बना हुआ है या फिर एनिमल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोलोइडल सॉल्यूशन को डाल दिया, इसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं, तो दीज आर कोलोइडल पार्टिकल, तो कोलोइडल पार्टिकल तो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे तो कोलोइडल सॉल्यूशन चाहिए प्रॉपर ना, तो मुझे इस पार्टिकल को निकालना है नहीं, मुझे इम्प्यूरिटी को निकालना है, और दीज आर द इम्प्यूरिटी जो कि बेसिकली इम्प्यूरिटी है, क्रिस्टलॉइड्स है, मुझे इसको निकालना है। तो अगर मैं इसको किसी भी इस तरीके का कोई कंटेनर में डाल दूंगी, जहां पे कि पानी है, वाटर डाला गया है, यहाँ पे बाहर वाटर है और अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन है, आपको जो बिगर साइज पार्टिकल मैंने दिखाया है ये कोलोइडल पार्टिकल्स है जो मुझे चाहिए, जो मुझे हटाना नहीं है, क्योंकि मैं प्यूरिफाई कर रही हूँ कोलोइडल सॉल्ट को, बट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है ना, डॉट में दिखाया है, दीज आर क्रिस्टलॉइड, दीज आर द इम्प्यूरिटी। तो जैसे ही, क्योंकि आपको पता है क्रिस्टलॉइड का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट या आयन्स होते हैं, बेसिकली आपका जो सोल्यूट है क्या होते हैं वो, NaCl सोल्यूट ले लो, आप कोई भी ले लो, तो वो दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रिस्टलॉइड जो है उसके साइज के अकॉर्डिंग होती है ये, दीज आर वाटर सोल्यूबल डेफिनेटली, ये जो क्रिस्टलॉइड्स है दीज आर वाटर सोल्यूबल। तो ये क्या करता है, मेम्ब्रेन के थ्रू इट कम्स आउट, ये क्योंकि आपको पता है कि जो मेम्ब्रेन है ये अलाउ कर देता है क्रिस्टलॉइड को पास करने के लिए। तो दिस इज माई डायलिसिस, तो ऐसे में क्या हो गया, अंदर वाला जो है वो प्यूरिफाई हो गया और क्रिस्टलॉइड जो है इट कम्स आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, दिस इज माई डायलिसिस। कई बार क्या करा जाता है, इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा चीजें किस तरीके से हम उसको प्यूरिफाई करते हैं। डायलिसिस के बाद आपको मैंने नेक्स्ट बताया था, इसे बता देती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, डायलिसिस आपको बता दिया है क्या है, कैसा है, कैसे लेते हैं, किस तरीके से प्यूरिफाई करते हैं, एंड उसके बाद एक इलेक्ट्रो डायलिसिस है। आपको नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने बताया है कि लिखा होगा इलेक्ट्रो डायलिसिस, इलेक्ट्रो डायलिसिस का मतलब होता है अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के, पोटेंशियल डेवलप करा के अगर ये प्रोसेस को मैं कर सकती हूँ, दिस इज माई इलेक्ट्रो डायलिसिस। इफ डायलिसिस इज कैरिड आउट बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी और बाई जनरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरीके से फील्ड क्रिएट करके अगर करा जाएगा, दैट इज माई इलेक्ट्रो डायलिसिस। यू कैन राइट अपने टर्म्स में लिख सकते हो उसे, यहाँ पे टोटल फिजिकल मेथड हो गया ये, क्लियर ना। ओके, तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके वही सारी चीजों को मैं करती हूँ और प्यूरिफाई करती हूँ डायलिसिस के थ्रू, तो दैट इज इलेक्ट्रो डायलिसिस। थर्ड पॉइंट आपको मैंने क्या बताया था, क्योंकि ये सब चीजें आप खुद भी पढ़ सकते हो, आपको मेन, हाँ बच्चों को हाँ ये समझ में नहीं आता कि हाँ क्या होता है। थर्ड पार्ट क्या बताते हैं, बताओ मुझे, थर्ड कुछ लिखा था, तो डायलिसिस है, दूसरा इलेक्ट्रो डायलिसिस है,
अल्ट्रा सर क्या फिल्ट्रेशन। बताया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का क्या होता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर के थ्रू कॉलोइडल पार्टिकल भी पास कर जाता है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल सिंपल फिल्टर पेपर जब लेती हूँ तो कॉलोइडल पार्टिकल भी उसमें पास कर जाता है। तो एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है, वो कॉलोइडल साइज पार्टिकल को अलाउ नहीं करता है, खाली क्रिस्टलॉइड को अलाउ कर देता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू भी हम प्योरीफाई कर सकते हैं, और उसमें क्या हो जाएगा, जितने सारे इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा या क्रिस्टलॉइड्स वगैरह होंगे। हाँ ठीक है, एक फोन आ गया था बेटा, ठीक है। अभी अभी ऑडिबल है कि नहीं देखना एक बार, ऑडिबल है? यस ऑडिबल। यस सर। ठीक है ठीक है, हाँ एक फोन आ गया था। अच्छा सुनाओ, मैं क्या आपको पढ़ा रही थी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है एक ऐसा अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है जो कि खाली क्रिस्टलॉइड को पास कराता है, क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन पार्टिकल को पास नहीं कराता, दैट इज अ वे ऑफ फिल्ट्रेशन आल्सो। अच्छा उसके बाद एक आता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें कि बेसिकली काफी स्पीड से रोटेट करा जाता है कोलोइडल पार्टिकल को, और रोटेशन के बाद क्या होता है, जो कोलोइडल पार्टिकल है आप खुद ये पढ़ सकते हो, थियोरेटिकल है क्या एक्सप्लेन करूंगी आपको, ये फिजिकल प्रोसेस है सारे, तो ये आप पढ़ सकते हो। और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करा जाता है, उसे हाई स्पीड से रोटेट कर दिया जाता है कोलोइडल पार्टिकल को, और ऐसे में होता क्या है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड पार्टिकल में कन्वर्ट होकर नीचे कोएगुलेट हो जाता है, और बाकी जो इम्प्यूरिटी होता है ऊपर फ्लोट कर जाता है। आप बहुत तेजी से घुमाओगे तो जो हैवियर जो कोलोइडल पार्टिकल है वो नीचे आ जाएगा और जो इम्प्यूरिटी है वो फ्लोट करने लग जाएगा। उसके बाद उसे आप फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हो, और दोबारा से जो कोएगुलेटेड पोर्शन है कोलोइडल पार्टिकल का उसे फिर आप शेक करके फिर कोलोइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो, और ऐसे भी आप इम्प्यूरिटी को जो है उसे प्यूरिफाई कर सकते हो, निकाल सकते हो इम्प्यूरिटी को, ठीक है। तो ये चार प्रोसेस होता है जो हम प्योरिफिकेशन के लिए बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल शॉर्ट नोट में आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आ जाए तो पूरा स्कोरिंग लिख के आ जाना, क्या डायलिसिस क्या होता है, कैसा क्या है, आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको चलती हूँ प्रॉपर्टीज क्या होता है, कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है क्या क्या प्रॉपर्टी लेते हैं, तो ये मैं रब करके फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जा रही हूँ। आई थिंक हो गया होगा सबका, नेक्स्ट इज माय प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन।
अच्छा क्या क्या प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ, ब्राउनियन मूवमेंट आपने भी सुना होगा, स्कूल में टीचर ने भी पढ़ाया होगा, सुना है ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में? यस मैम, ज़िगज़ैग मूवमेंट, ज़िगज़ैग मोशन को हम कहते हैं। एंड ये प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी में ही मैं एक्सप्लेन करूंगा सारा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड थर्ड है मेरा टिंडल इफेक्ट, एंड फोर्थ है कलर सॉल्यूशन, कलर ऑफ सॉल्यूशन, एंड फिफ्थ है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो ये मेरे पास कितने प्रॉपर्टी हैं, पांच प्रॉपर्टी हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ब्रायनियन मूवमेंट क्या होता है। क्या होता है, कोलाइडल जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा एक रैपिड ज़िगज़ैग मोशन में रहते हैं, ठीक है, मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट चलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन चलता रहता है, तो विदाउट दैट दैट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करना ही है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो ज़िगज़ैग मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ज़िगज़ैग मोशन रहेगा नहीं, that is not a colloidal solution. वो फिर लास्ट नहीं करेगा, सस्पेंडेड होकर नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो what is Brownian movement? The continuous rapid zigzag motion. The continuous zigzag motion of colloidal particle. जब तक पार्टिकल ज़िगज़ैग मोशन में है, तब तक कोलाइडल सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो वो हो सकता है सस्पेंशन में कन्वर्ट होके क्वाग्युलेट हो जाए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये भी पूछा, ये भी है कि ये जो ब्रायनियन मूवमेंट है, इट स्टेबिलाइजेस द सॉल्ट, राइट डाउन, it stabilizes the salt, clear है ना, ये salt को stabilize करता है। अच्छा यहाँ पर और एक question भी पूछा जाता है आपको कि एक तो rapid zigzag motion होता है and दूसरा है ये salt को stabilize करता है, मतलब ये अगर है तो salt है, अगर ये motion नहीं है तो salt भी नहीं रहेगा, ठीक है। Third point है ये होता क्यों है, तो ये क्यों होता है, आपने देखा होगा जब एक स्लीट के थ्रू या एक होल के थ्रू सनलाइट एंटर करता है कोई एक डार्क रूम में, तो आप बहुत इजीली डस्ट पार्टिकल को मूव करते हुए देख सकते हो, कभी ऑब्जर्व करा होगा आपने। अभी भी अगर आप अंधेरे रूम में चले जाओ, कोई अगर उस तरीके का कुछ है तो आपको बिल्कुल दिख जाएगा, हाई स्पीड में मूव करते रहते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं। कई बार ब्रायनियन मूवमेंट को क्या करा जाता है, एवोगाड्रो नंबर का कैलकुलेशन के लिए भी यूज करा जाता है ब्रायनियन मूवमेंट को, ठीक है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल की जो आप देख रहे हो, क्यों आप किस तरीके से उसे देख रहे हो, दिस इज द ब्रायनियन मूवमेंट। और वो होता क्यों है, एग्जिस्ट वो जो आप देख रहे हो एक डार्क रूम के थ्रू सनलाइट का एक रे ऐसे अंदर आ रहा है वॉल के और स्लिट के थ्रू आ रहा है, और आप उसको बिल्कुल देख पा रहे हो, पार्टिकल्स बहुत खूब जोर से अभी वहां पे ज़िगज़ैग मोशन में वो अपना मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो दिस इज ब्रायनियन मूवमेंट, एंड व्हाई, क्यों होता है ब्रायनियन मूवमेंट, ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हम उसे देख पाते हैं, अदरवाइज कैसे आप देखोगे उसको। आप जो विजिबिलिटी जो आपकी है कि आप उसे देख पा रहे हो डस्ट पार्टिकल का मोशन को, दैट इज टिंडल इफेक्ट की वजह से आप देख पा रहे हो, बिकॉज लाइट जो है वो स्कैटरिंग फॉर्म में है तो आप उसे देख पा रहे हो, अदरवाइज आप उतने इजी तरीके से उसे ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते, एंड दैट मोशन इज नोन एज ब्रायनियन मूवमेंट, ठीक है। अच्छा अब ये होता क्यों है, अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे,
this arises due to unbalanced bombardment of the medium, I mean of the dispersed particles phase particles by the dispersal media. ये जो बॉम्बार्डमेंट होता है ना जो मीडियम बार बार उसे धक्का देता रहता है, किसको? मीडियम भी है, मीडियम के साथ कोलिजन चलता है. किसका कोलिजन चलता है? डिस्पर्स्ड फेज का कोलिजन चलता है और वो अनबैलेंस्ड होता है. तो मोशन किसी भी तरीके से आप दिखा सकते हो, इस तरीके से आप दिखा सकते हो. तो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो. ठीक है, सो दिस इज माई ब्रैनियन मूवमेंट, यू नो दिस इज माई ब्रैनियन मूवमेंट. ज़िगज़ैग है, इनडेफिनाइट पाथ पे जाते हैं, ऐसा कोई फॉलोड पाथ नहीं है कि हाँ इस पाथ में ये मूव करेगा. दैट इज नोन एज इनडेफिनाइट, दैट इज नोन एज ब्रैनियन मूवमेंट. नो पर्टिकुलर पाथ, आप असाइड नहीं कर पाओगे कोई पाथ. बिल्कुल कंटिन्यूस है, बिल्कुल रैपिड है एंड इनडेफिनेट. आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कोई ऐसा कोई डेफिनेट पाथ नहीं है इसका. क्लियर है? So this is my Brownian movement, the stabilizes the solid. आप लिख सकते हो उसके पूरे, आपको जब क्वेश्चन इस राउंड चलेगा उस टाइम आपको बताऊंगी. उसके बाद हम सीधे चलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऐसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैं शायद यहीं बता देती हूँ आपको कि छोटा सा टॉपिक है और आपको एनसीईआरटी में तो ज्यादा है भी नहीं इसका. अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने कहाँ पे पढ़ा था? सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सब पढ़ा था आपने सॉल्यूशन चैप्टर में, पढ़ा था. ठीक है, तो ये जो कोरोडल सॉल्यूशन होता है ना, कोरोडल सॉल्यूशन भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाता है. ठीक है, और यहाँ पे भी अगर कोरोडल पार्टिकल ज्यादा अमाउंट के है तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब एलिवेट हो जाएगा या डिप्रेस्ड हो जाएगा या ऑस्मोटिक प्रेशर का एक वैल्यू रहेगा. तो ये सारे जो चार क्वालिटी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, इट कैन बी यूज्ड फॉर दिस कोरोडल सॉल्यूशन आल्सो. क्लियर है? बट बेस्ट कौन दिखाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू हम इस कोरोडल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बिगर साइज पार्टिकल सॉल्यूशन. बिगर साइज पार्टिकल का क्या होता है? मैक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशन. मैक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पॉलीमर आ गया उनपे. और जहां पे पॉलीमर आपने पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर में कि अगर पॉलीमर का मोलिकुलर मास निकालनी होती है तो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को बेस्ट प्रिफर करती हूँ. याद करो आपने पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर में, जहां पे पॉलीमेरिक सॉल्यूशन की बात चलती है, पॉलीमर टाइप कुछ होता है और उसका मोलिकुलर मास निकालनी होती है, और अगर मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड यूज करने हैं तो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रिफर करा जाता है वहां पे. याद आ रहा है कि नहीं? सॉल्यूशन चैप्टर में आपने पढ़ा था कि पॉलीमर साइज पार्टिकल के लिए अगर उसका मॉलिक्यूलर मास चेक करनी है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफरेंस देते हैं. तो ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. द बेस्ट प्रेफर्ड मेथड इज ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? नेक्स्ट गो टू टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट आपको मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी डेफिनेटली, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन होता है बताऊंगी आपको अभी. टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं और ये होता क्यों है? टिंडल इफेक्ट कहते हैं कि अगर एक लाइट रे को, किसी भी एक वेवलेंथ के लाइट को मैं पास करा देती हूँ कोलोइडल सॉल्यूशन के थ्रू, और अगर मैं परपेंडिकुलर व्यू करती हूँ उसको, परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में मैंने पास कराया है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं अगर व्यू करती हूँ, ठीक है, तो क्या होता है? वो जो पाथ ऑफ लाइट होता है दैट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ ब्लूइश लाइट. This is my Tyndall effect. और ये होता क्यों है? Due to scattering of light by colloidal particles. जैसे ब्लू कलर का स्काई है, आपको पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल एक दो दे सकते हो आप, तो आप वहां पर दे सकते हो. वही है जैसे कोई स्लिट के थ्रू सनलाइट पास कर रही है एक डार्क रूम के अंदर, तो आप वहां पर देख सकते हो. That is also due to scattering of light. Dust particle को बिल्कुल move करते हो देख सकते हो. किसी ग्लास जो आपका जो स्काई का जो ब्लू कलर है वो क्यों डे लाइट, डे टाइम में जब सनलाइट का
के थ्रू आप स्काई को व्यू करते हो तो क्या होता है, ब्लू कलर के लाइट को स्कैटर करता है, सो दैट इज ब्लूइश इन कलर डे टाइम में अगर आप चेक करते हो तो. ठीक है, इसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं. और सबसे मेनली जो एंट्रेंस में पूछा जाता है इसका कंडीशंस पूछा जाता है. इसके दो कंडीशंस होते हैं टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व कर, आई मीन टिंडल इफेक्ट देखने के लिए देयर आर टू कंडीशंस एंड आफ्टर दैट टिंडल इफेक्ट विल बी इजीली ऑब्जर्व्ड. अगर वो दो कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे तो देयर इज नो यूज ऑफ अ टिंडल इफेक्ट, आपको दिखेगा नहीं प्रॉपर्ली. क्लियर है? सबसे पहले तो टिंडल इफेक्ट का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं. आपको वैसे भी नोट्स में मिल जाएगा ये, फिर भी आप लिख दो डेफिनेशन, लिख दो थोड़ा सा. राइट आउट this is my Tyndall effect. ठीक है, for a beam of light is passed through a colloidal solution and viewed perpendicular. ठीक है, ओके. अच्छा, the path of light is illuminated by a bluish light. This is Tyndall effect. ये तो Tyndall effect है. ये होता क्यों है? It occurs due to scattering of light. ठीक है, इट ऑकर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स. इट ऑकर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स. बेसिकली कोलोइडल पार्टिकल का साइज इस तरीके के साइज के हैं कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं. तो जब ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में ये स्कैटर होता है तो कंबाइंडली वो अगर हम चेक करें तो हमें अगर देखें तो वो एक ब्लूइश लाइट के फॉर्म में वो अपीयर करता है. सो दिस इज माई टिंडल इफेक्ट. ठीक है, और बाकी इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ. अगर आपको एग्जांपल देना है तो आप दो एग्जांपल इजीली दे सकते हो, द ब्लू कलर ऑफ स्काई दे सकते हो, या फिर द मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल कैन बी इजीली व्यूड थ्रू अ स्लिट और होल थ्रू व्हिच सनलाइट इज आई मीन गेटिंग इनटू द डार्क होल. तो आप ये अपने तरीके से उसको एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है, अच्छा. और जो मुझे मेन इसमें पढ़ाना है तो सारे बच्चे लिख लेते हैं. इसके दो कंडीशंस होता है. ये कंडीशंस आपने पढ़ा है क्या? देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडीशंस फॉर दिस इफेक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड. कंडीशंस कोई आइडिया है? किसी को आइडिया है? आपने स्कूल में पढ़ा होगा. हाँ बोलो. यस, आपने प्रीबोर्ड भी दे दिया है. कुछ कितना टाइम बचा है देखना इसके लिए और सेशन के लिए? मैम 1 मिनट से कम. एक मिनट से कम है तो आपको आपका कंडीशंस तो मैं बाद में ही कराऊंगी. मान भी अभी आ गई है तो थोड़ा बहुत फिर भी पूछ रही हूँ. कोई आइडिया है या बिल्कुल आइडिया नहीं है? स्कूल में कोई क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग दिस? व्हाट आर द मिनिमम कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड? एंड दिस ई एंट्रेंस में भी काफी बार आ चुका है तो ये आता तो है एंट्रेंस में. अगर इस टिंडल इफेक्ट से कुछ आता है तो ये मोस्टली ये क्वेश्चन आपको दे देते हैं. थोड़ा सा कंसेप्चुअल है तो इसलिए ये दे देते हैं. ठीक है, याद नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा यार. अंकित, तुम तो बोल रहे थे मैम टेस्ट पेपर अपलोड कर दो, फुल सिलेबस बताओ मुझे.